तो फ्रेंड्स कई सारे लोगों को दांतों से जुड़ी हुई, मसूड़ों से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, दांतों से खून आना, मसूड़ों की समस्या, मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों में दर्द हो जाना, और इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या जैसे कि कई सारे लोगों के मुँह से बहुत ही तेज़ दुर्गंध आती है, बहुत तेज़ बदबू आती है, वो कहीं ठीक से खुलकर बात भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुँह से बहुत तेज़ दुर्गंध आती रहती है, बदबू आती रहती है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके आप इन सभी समस्याओं को बहुत ही जल्द दूर कर सकते हो और पहले दिन से ही बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको कौन सी मेडिसिन लेनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लेनी होगी इरीमिदादी तेल। ये तेल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, मुंह की बदबू को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दवा है। अगर आप इस दवा की अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको इलायची मिलेगा, लौंग मिलेगा, जायफल मिलेगा, नाग केसर मिलेगा, कपूर मिलेगा, दालचीनी मिलेगा, मंजीठा मिलेगा और तिल के तेल जैसे आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इसमें मिलाई गई हैं। और इसके साथ साथ इस तेल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसके साथ साथ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी इस दवा में पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा का यूज़ आपको कैसे करना चाहिए। इस दवा का यूज़ तीन तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो दांतों के दर्द के लिए, अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है या फिर दांतों से ब्लड आ रही है तो ऐसे कंडीशन में आप एक छोटा सा कॉटन कपड़ा लो, उस कॉटन कपड़े में इरीमिदादी तेल को मिलाकर उस दांत पर अच्छी तरह से लगाओ और 5-7 मिनट के लिए हल्का हाथों से उसको रगड़ने लगो धीरे धीरे, और 5-7 मिनट के बाद में आप गर्म पानी से गार्गल कर लो, कुल्ला कर लो, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा, दांत के दर्द दूर हो जाएंगे, दांतों से जो खून आ रही थी वो समस्या बंद हो जाएगी, पहले दिन से ही आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद मसूड़ों की समस्या के लिए, कई सारे लोगों के मसूड़ों में दर्द हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मसूड़ों की समस्या के लिए तो आप इरीमिदादी तेल को अपने हाथों में ले लें और मसूड़ों के पास लगाकर हल्का हाथों से उसको 5-7 मिनट तक मसाज करें और 5-7 मिनट बाद में आप गर्म पानी से गार्गल कर लें, बहुत बेहतर लाभ मिलेगा, मसूड़ों की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी, पहले दिन से ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद में कई सारे लोगों के मुँह से बहुत तेज़ दुर्गंध आती है, बहुत तेज़ बदबू आती है, कई सारे लोगों को पैरिया हो जाता है और इसके साथ साथ कई सारे लोगों के मुँह में छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 15-20 ml इरीमिदादी तेल को अपने मुंह में रखकर इसको माउथ वॉश की तरह आप गोल गोल मुंह में रखकर ही घुमाएं, जैसे आप गार्गल करते हो ऐसे ही गोल गोल घुमाना है और 5-7 मिनट बाद में इसको फेंक दे और गर्म पानी से गार्गल कर ले, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा, मुंह से दुर्गंध आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, दांतों की समस्या दूर हो जाएगी, पैरिया खत्म हो जाएगा, कैविटी की समस्या, मसूड़ों की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। दांत के दर्द के लिए बहुत अद्भुत दवा है ये, हम अपने कई पेशेंट को देते हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा और पहले दिन से ही बेहतर रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।